नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सहायक शिक्षक के ज्वाइनिंग को रोकने के लिए एक और केस लग गया है। जी हाँ, डीएड का 20 को आंदोलन होने वाला है। डीएड वाले साथियों का, जो कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक से हटाने के लिए फिर से ये आंदोलन जो है 20 सितंबर को होने वाला है। इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं सहायक शिक्षक के ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, होने वाला है 20-25 तारीख तक सहायक शिक्षक के प्रथम सूची की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसी को रोकने के लिए डीएड डीएलएड साथियों द्वारा फिर से कोर्ट में याचिका दायर कर दिया गया है, ताकि बीएड वाले साथियों को प्राथमिक शिक्षक में ना लिया जाए। इसको लेकर इसके साथ साथ साथियों, डीएड वालों का 20 को आंदोलन भी है। और इसकी भी मैं जानकारी दे दूं तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, डीएड डीएलएड छत्तीसगढ़, डीएड डीएलएड संघर्ष समिति, यूनिटी फोरम छत्तीसगढ़। तो डीएड डीएलएड के छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ छात्र भरेंगे हुंकार। छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघर्ष समिति सभी डीएड डीएलएड अभ्यर्थियों से आंदोलन में भाग लेने का आह्वान करता है। देख सकते हैं, 20 सितंबर 2023 को हड़ताल होना है, आंदोलन होना है। और ये आंदोलन कहाँ होगा? तो डीपीआई नया रायपुर में आंदोलन होना है। इसके लिए प्राइमरी में, देखो इसमें मांग ये रखी गई है साथियों कि प्राइमरी में सिर्फ डीएड वालों का अधिकार है, और इसी को लेकर, अर्थात बीएड वालों को भी प्राथमिक शिक्षक में लिया जा रहा है। इसी को लेकर जो है लगातार शासन प्रशासन तक बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है डीएड वाले साथियों द्वारा। इसी तारतम्य में 20 सितंबर 2023 को फिर से आंदोलन किया जाना है डीएड डीएलएड संघर्ष समिति के माध्यम से। और ये जो आंदोलन होगा डीपीआई घेराव के संबंध में है, अर्थात स्थान डीपीआई है, जहां पर शासन से प्रशासन से उच्च अधिकारियों से बात होगी, चर्चा परिचर्चा की जाएगी। साथियों, एक तरफ डीएड वाले साथियों द्वारा कानून का भी सहारा लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये आंदोलन के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञात हो साथियों कि सर्वप्रथम जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ था, उस दौरान केवल डीएड वालों का ही ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था। उसके बाद बीएड वाले साथियों द्वारा फिर से याचिका दायर करने की वजह से उनके पक्ष में फैसला आता है और उनको भी इसमें शामिल करने का निर्णय आ जाता है। उसके बाद बीएड वाले साथियों को भी प्राथमिक शिक्षक के ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित कर लिया जाता है। उसके बाद अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी चल रही है, ज्वाइनिंग लेटर भी छपकर तैयार हो चुका है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में कुछ नेता प्रमुख, केंद्रीय जो नेता प्रमुख आने वाले हैं, तो उन्हीं के कर कमलों से, उन्हीं के हाथों से सभी को ज्वाइनिंग लेटर वितरित किया जा सकता है। ऐसा जो कहना चाहिए साथियों, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसके हिसाब से प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रही हैं, और वही जो है इस संदर्भ में नियुक्ति पत्र प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है, कोई भी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेता आते हैं तो उनके हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान करवाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति है, उसी को आधार मानते हुए ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी सहायक शिक्षक को लेकर अभी वर्तमान में ये चीज़ें हो सकती है, अर्थात नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा सकता है। दूसरी ओर सहायक शिक्षक के द्वितीय सूची के लिए भी जारी हो चुका है, देख सकते हैं, आपने देखा होगा। हालांकि इसमें मैं नहीं बताऊँगा, आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा, उनके भी दूसरी सूची जो काउंसलिंग है उसकी भी डेट जो है जारी हो चुका है। तो ये भी बहुत जल्दी इनकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, दस्तावेज सत्यापन भी होंगी। और विभाग अब ज्वाइनिंग के लिए कैसे करता है, उनको कोर्ट के निर्णय के आधार पर क्या निर्णय लेता है, वो विभाग तय करेगा साथियों। लेकिन बीएड डीएड को समग्र रूप से जो है ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जानकारी है। अगर कुछ भी नई अपडेट मिलती है तो हम आप सभी साथियों तक साझा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।